बात शुरू करने से पहले हम आपको एक बात शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। अगर हमारा इंडियन हिस्ट्री 3 पर किसी अन्य वीडियो को देखना है जिसका वीडियो हमने बनाया है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर लेसन और टॉपिक के नाम से हमारे सभी वीडियो वहां पर उपलब्ध हैं। और अगर अभी तक आप हमारे क्लास के मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर कॉलोनियल सिटीज, मीन्स द पैटर्न एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द कॉलोनियल सिटी मीन्स। एंड इन दिस टॉपिक we are going to talk about the impact of colonial city and or the urbanization over the social life of Indians, and what factors were responsible to impact this social life in the new cities. For the Indian population, the new cities were bewildering places where life seemed ऑलवेज इन फ्लक्स। हमारे गांव के लोग या हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन उस समय थी, वो उस समय जो कॉलोनियल सिटी थी, जो सिटी थी, उनको देख करके एक तरीके से वो हैरान थे। वहां की जो सोशल लाइफ थी, जो सिटी की दौड़ थी, जो उसकी चमक थी, उसको देख करके वो हैरान थे। और वहां पर जो परिवर्तन थे, जो डेली चेंजेज हो रहे थे, उसको देख करके निश्चित रूप से वो हतप्रभ थे। देयर वॉज ए ड्रामेटिक कंट्रास्ट बिटवीन एक्सट्रीम वेल्थ एंड पॉवर्टी। और जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी कि जो 19th और 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो अर्बनाइजेशन को हम देखते हैं, वहां पर एक चीज आज भी है, उस समय बहुत ही जबर जोर पे थी, ड्रामेटिक कंट्रास्ट बिटवीन एक्सट्रीम वेल्थ एंड पॉवर्टी। सिटी में एक तरफ जहां पर एक्सट्रीम वेल्थ दिखाई देती थी, लोगों के बाद बहुत सी आराम की चीजें थी, बहुत ही पैसा था, वो लोग बहुत ही लेविश लाइफ जी रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, और दूसरी तरफ पॉवर्टी थी, यानी कि लोगों के पास खाने भर के पैसे नहीं थे। अब कौन सी चीजें थी जिन्होंने सोशल लाइफ को पर इम्पैक्ट डाला, किन किन चीजों ने सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट डाला, और वो इम्पैक्ट कैसा था। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट सच एज हॉर्स ड्रॉन कैरिज एंड सब्सिक्वेंटली ट्राम एंड बसेस मीन्ट दैट पीपुल कुड लिव एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर। जो पहला चेंज आया, लोगों को थोड़ी सी उस समय जो थोड़ी सी डिस्टेंस पार करने के लिए लोगों को काफी समय चाहिए होता था, लेकिन जो जैसे हॉर्स ड्रॉन कैरिज आया, घोड़े से पहले लोग हाथ से रिक्शा खींचते थे, उस समय घोड़े से चलाने वाले घोड़े गाड़ी आई। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ट्राम आया, बसेस आई, और इन लोगों ने क्या किया, मीन्स पीपुल कुड लीव एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर, यानी कि अब अपने लोग पहले जहां पर काम करते थे उसी के अगल बगल रहते थे, लेकिन इन ट्रांसपोर्ट के फास्टर मीन्स ने लोगों को ये सुविधा दी, दे फैसिलिएट, लोगों को इस सुविधा मिली कि अब वो अपने काम के सेंटर से या शहर के सेंटर से कुछ दूरी पर रह सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम तक बहुत आसानी से अब पहुंच सकते थे। Over time here was a gradual separation of the places work from the places of residence. Traveling from home to office or the factory was completely new kind of experience. एकदम से नया चेंज था, इसने चीजों को बदल कर रख दिया, यानी कि जो अब सिटी सेंटर से या काम के सेंटर से बहुत दूर दूर तक जो अर्बनाइजेशन है वहां दूर दूर तक शुरू हो गया। Also, do the sense of coherence
and familiarity of the old towns was no longer there. The creation of public places for example, public park, यानी कि लोगों के पास coherence and familiarity of the old towns was no longer. यानी कि जो पहले कस्बों में एक दूसरे के लोग पहचान की सारे मामले पहचान के होते थे, लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, लोग मिलते जुलते थे. No longer there. The creation of public places, जैसे कि पार्क है, थिएटर है, जो 20th century सिनेमा हॉल जो आए, provided exciting new form of entertainment and social interaction, जिन्हें एक नए प्रकार का, पहला face to face daily जो एक relative के बीच में, एक neighbors के बीच में जो interaction होता था, interaction को बदल दिया. अब पिकनिक स्पॉट होते थे जहाँ पर लोग जाते थे, घूमते थे, वहाँ पर नए प्रकार का एंटरटेन करते थे या एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, थिएटर जाते थे, वहाँ पर न्यू रोज नए और कुछ फॉर्मल टाइप के इंटरेक्शन होते थे. विद इन सिटी न्यू सोशल ग्रुप फॉर्म, शहरों में नए सोशल ग्रुप्स बने. एंड आइडेंटिटीज ऑफ पीपुल, ओल्ड आइडेंटिटीज ऑफ पीपुल वेयर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो पहले की ग्रुप्स थे या जो आइडेंटिटी थी, अब पहले की उसमें जो उसकी इम्पोर्टेंस में पहले जैसा, पहले से जो उसका इम्पोर्टेंस थे उसमें चेंजेज आए. ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वेयर माइग्रेटिंग टू सिटी, जितने भी जो कंट्री साइड थे वहाँ से जितने भी क्लास थे, चाहे वो अपर क्लास के या जो अपर क्लास कास्ट की जातियाँ हैं वो हों, चाहे जो लोअर कास्ट की जातियाँ हों, या जो क्लास है अपर क्लास लोअर क्लास, जितने भी लोग थे वो शहर की तरफ माइग्रेट करने लगे. और शहरों में उनके काम की डिमांड थी, इंजीनियर डॉक्टर जैसे मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास की नौकरियाँ थी, यानी कि इनको करने वाला एक ह्यूज मिडिल क्लास सामने आया. एंड जो मिडिल क्लास था, चूंकि वो एजुकेटेड होता है तो उन्होंने भी, उनकी पहुंच जो होती है स्कूल कॉलेजों तक उनकी पहुंच भी होती है, और चूंकि बिकॉज दीज पीपल वेयर द एजुकेटेड पीपल, दे कुड पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन एवरीवेयर, वे कहीं पर भी अपनी बातों को रख सकते थे और उस पर अपनी बहस में भाग कर लेते थे. और इन दिस वे ए न्यू पब्लिक स्पीयर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इमर्जेंट, एक नई चीज डिस्कशन और डिबेट की नई चीज सामने आई. एंड दिस डिस्कशन फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सोशल कस्टम नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस, यानी कि अब ये चीज़ें ऐसी नहीं थे, क्योंकि लोग एजुकेटेड थे, वेस्टर्न के उनके ऊपर, वेस्टर्न के जो नए ख्यालात थे उनका भी इफेक्ट पड़ रहा था. यानी अब कोई भी जो कस्टम थे अब उनको क्वेश्चन, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता था. लेकिन सोशल चेंज इतना स्मूथ कभी भी किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है. जब भी सोशल चेंज होता है, इट मीन्स जो आपके पुराने नॉर्म होते हैं, जो पुराने प्रैक्टिसेस होती हैं, आप उनको क्वेश्चन करते हैं. और जब आप उनको क्वेश्चन करते हैं तो जो सोसाइटी का एक कंजर्वेटिव तबका होता है, जो कि बड़ा तबका होता है, वह आपके इस चेंज को एक शक की निगाह से देखता है, एंड समटाइम्स दे अपोजिट. सोशल चेंज डिड नॉट हैपन विथ एज, वो इतने आसान नहीं रहे. ऑफर्ड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन, फॉर इंस्टांस, यानी कि जो चेंजेज हुए, जैसे एजुकेशन, मिडिल वर्ल्ड एजुकेटेड हुआ एंड उनके यहाँ की जो रीच थी वो बुक्स और जर्नल्स तक हुई, तो सो उनकी जो वुमेन्स थी जो मिडिल क्लास की, उनकी भी रीच इन तब की हुई. वो अपनी बातें जर्नल्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से आगे सामने लाती थी. लेकिन बहुत सारे पीपल अटेम्प्ट टू चेंज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नॉर्म, में मानते थे कि ये जो है, जो हमारे सोसाइटी का जो नॉर्म्स हैं, जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, और ये वुमेन्स उसको क्वेश्चन कर रही थी, इसलिए उसको बहुत सारे लोग उसका अपोज करते थे. इवन रिफॉर्मर्स, अकॉर्डिंग टू दिस, जो रिफॉर्मर थे, वो भी
एक दायरे में ही रिफॉर्म चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो वुमेन्स हैं, जो उनकी एक ट्रेडिशनल ड्यूटी चली आ रही है, यानी कि सी इज ए गुड मदर एंड सी इज ए गुड वाइफ, सी इज गुड सिस्टर, जो उनकी एक ट्रेडिशनल ड्यूटी और नॉर्म चला आ रहा है, वो उसी को फॉलो करें, ये लगभग हमारे सभी लोग मानते थे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपके रिफॉर्मर थे वो भी लगभग यही मानते थे। जिसको लेकिन यह भी सही है कि जो न्यू चेंजेज आए, वेस्टर्न के जो थाट आए, उन लोगों ने इन चीज़ों को ऊपर चैलेंज किया। जैसे कि हम जानते हैं कि फूले ने वुमेन्स एजुकेशन के लिए, उनकी वुमेन्स और उनकी वाइफ ने वुमेन्स के एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम किए, यानी कि उस समय महिलाएं सामने आगे आने लगी थी। एंड द चेंज की जब बात करें तो एंड द न्यू क्लास, एक नया क्लास सामने आता है विद इन द सिटी वाज द लेबरिंग पुअर। सिटी के अंदर गरीबों का एक बड़ा बड़ा क्लास उभरता है, यानी कि शहरों में गरीबों की संख्या एक क्लास के रूप में बड़ी होती है। लेबरिंग पुअर आर द वर्किंग क्लास पर्पज फ्रॉम रूरल एरिया फ्लॉक टू द सिटीज इन द होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो गांव में जो गरीब होते हैं, चूंकि गांव में उनके पास जमीन नहीं होती है, इसलिए काम की तलाश में और नई सुविधाओं की तलाश में दे फ्लॉक्ड इन सिटी, वो शहरों में आते हैं। सम सा सिटीज एज प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कुछ उसको वहां पर जॉब्स के लिए आते हैं। सम सा सिटी एज ए प्लेस ऑफ अदर्स वेयर अट्रैक्टेड बाय द एल्यूर ऑफ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, यानी कुछ काम के लिए आते हैं और कुछ नए प्रकार की लाइफ के लिए आते हैं, जो एक डिफरेंट सिटी लाइफ होती है उससे एल्यूर होकर के यहाँ पर आते हैं। बाय द डिजायर टू सी थिंग्स दे नेवर बिफोर सीन, यानी कि जो वो चीज़ें वहाँ पर देखते हैं जो उन लोगों ने कभी नहीं देखी थी। और एक और डिफरेंट आता है, एक और सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। गाँव से जो लोग शहरों की तरफ माइग्रेंट करते थे, जो पुअर आते थे, वो अपने पीछे एक अधूरी फैमिली, एक यानी कि अपनी वाइफ, चूंकि शहरों में वो जिससे उनके खर्चे कम रहें, इसलिए गांव में अपनी वाइफ और अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके आते थे। इसलिए गांव में एक फ्रैक्चर्ड फैमिली भी पाई जाए, यह भी एक नए जो अर्बनाइजेशन था उसका इम्पैक्ट था। यस, जो सिटी होते थे वहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा होता था, एक्सपेंसिव होती थी सिटी, इसलिए जो पुअर लेबर थे या ये लोग जो थे, उनको शहरों में रहना इतना आसान नहीं होता था। और दूसरी चीज़ पहले बात किया कि वो अकेले शहरों में रहते थे, इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद एट द पुअर ऑफ्टन क्रिएटेड ए लाइवली अर्बन कल्चर, एक जीवंत अर्बन कल्चर उन लोगों ने, एक एंथुजियास्टिक अर्बन कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर ली। दे वेर एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस फेस्टिवल तमाशा एंड सॉन्ग्स सटायर्स, जिसमें यानी कि तमाम जो जैसे कि दुर्गा पूजा है, गणेश उत्सव है, इसमें वे बहुत बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे कि तमाशा है, सॉन्ग है, सटायर, इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। वेयर दे ऑप्टेन मार्क्ड द प्रिटेंशंस ऑफ मास्टर्स ऑफ देयर मास्टर्स इंडियन, यानी कि अपने जो मास्टर हैं, जो उनके मालिक हैं, जो अक्सर वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इन जो ये जो नाटक होते हैं, सटायर्स या जो तमाशा होते थे, इनके माध्यम से अपने ये मास्टर्स का मजाक भी उड़ाया करते थे। थैंक यू, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आप जो जनरल स्टडी और करंट के कुछ विषयों से हमसे जुड़ने के लिए, आप हमारे फेसबुक अकाउंट देव क्लासेस फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, आप इस पर अगर आते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।